नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वन टाइम करूं कि एसआईपी करूं, वन टाइम करूं कि एसआईपी बेटर है, क्या करूं? तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अगर एसआईपी का अमाउंट अच्छा खासा है और लंबे समय तक 15-20 साल तक चलता रहे तो 15-16% रिटर्न कहीं नहीं जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न अच्छा चाहिए तो हर बार यदि आप यहाँ पे बॉटम में हर बार तो नहीं खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता है, लेकिन पूरे जर्नी में अगर 5-6 बार भी खरीद पाए ना, तो इस एसआईपी के जो 15-16 का एवरेज रिटर्न है उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि कौन लोग बोलते हैं बार बार कि वन टाइम इन्वेस्ट करना है, टॉपअप करना है, वो वही लोग करते हैं जिनका एसआईपी कम है, उन्होंने कम एसआईपी किया है तभी उनके पास बार बार पैसा एक्युमुलेट हो रहा है। उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपया सालाना का बचत है और आप 8,000 रुपया मैक्सिमम एसआईपी कर सकते हैं, जो भी खर्चा है, जीवन यापन है आपका चलता रहेगा यदि 8,000 का एसआईपी चले। लेकिन आप 2,000 का एसआईपी चलाते हैं तो हर बार क्या होता है, 3 महीना 4 महीना में 15,000-20,000 आपके पास बच जाता है और उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन टाइम के रेशियो में, तो आपका पोर्टफोलियो लंबे समय में इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप हर 6-7 महीने के लिए आप एसआईपी के ड्यूरेशन को मिस करते हैं। तो जो पैसा एवरेज के रूप में 8,000 बना के देगा, पैसा बचा करके एकुमुलेट करके सेविंग अकाउंट में रख के फिर बाद में सोचेंगे कि टॉपअप कर दूं, तो वो अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बना पाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने 3,000 पर मंथ का एसआईपी किया था। ये शुरुआत में देखिए 2010 में 3,000 का एसआईपी, पहला एसआईपी निपॉन मिड कैप कैटेगरी में, निपॉन ग्रोथ फंड, 444 का एनएवी था। जो पहला 3,000 लगाया था उसका वैल्यू आज यहाँ पे बता रहा है 15,000 रुपया, एनएवी का रेट चल रहा है 2,222 रुपया। तो पहला 3,000 का वैल्यू मुझे 15,000 मिला है और 13.89 का परसेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1-1.5 साल के बाद 2010 में शुरू हुआ था, 12 में जो 3,000 लगाया उसका परसेंटेज रिटर्न मुझे यहाँ पे लगभग 17% दिखा रहा है। तो 17%, 16% इस तरह से बीच में कहीं पे मैंने टॉपअप किया है, तो यहाँ पे देखते हैं 3-3 हज़ार चलता जा रहा है, ये 78,000 रुपया लगभग मैंने टॉपअप किया है। तो इसमें परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है, 19% का। फिर आगे बढ़ते हैं, 3-3 हज़ार का एसआईपी चल रहा है, चलता गया चलता गया, फिर यहाँ पे 1,605 रुपया का छोटा सा टॉपअप किया तो यहाँ पे 14.73% का रिटर्न मिल रहा है। तो एवरेज वही रिटर्न मिलता है, एसआईपी में भी रिटर्न आप देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17 इसी के रूप में है, और टॉपअप भी कर दिया तो उतना ही रिटर्न मिलेगा क्योंकि टाइम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा है, 16%, 16%, 18%, ये 3-3 हज़ार का एसआईपी का वही वैल्यू है। 88,000 रुपया एक बार लगा दिया उसका 20% रिटर्न दिखा रहा है। तो इस तरह से करते करते हमारा जर्नी आगे हुआ। तो यहाँ देखते हैं सबसे लास्ट में 2010 से लेके 2012 तक टोटल 12 साल में मैंने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे देखेंगे 7,90,000, जिसका आज वैल्यू कितना है, वैल्यू है 24,68,000 रुपया। कितना परसेंटेज रिटर्न दिखा रहा है, 17.98, लगभग 18, मैं 17 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 7,90,000 कुछ एसआईपी, कुछ लमसम करके हमने बीच बीच में टॉपअप करके 7,90,000 जमा किया, एसआईपी भी हुआ, वन टाइम हुआ, 12 साल बीत गया, 24,68,000 दिखा रहा है, 17% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास तो पैसा नहीं था, 3-3 हज़ार ही था, उतना ही बचाते थे, उतना ही इन्वेस्ट करते थे, उससे ज़्यादा था ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि नहीं हमारे पास पैसा है तो ठीक है, मैं है वन टाइम ही 7,90,000 लगा देता, जो मैं 12 साल में लगाया वो 7,90,000 आपने एक बार ही लगा देता। अगर तो 7,90,000 उसी समय लगा देते हैं फिर तो देखते हैं क्या होता है। आपने 7,90,000 एक बार में लगा दिया तो क्या होगा, आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाएगा। हमने 3,000 रुपये लगाया तो 3,000 के अनुसार मुझे 444 के रेट से हमको कितना यूनिट मिला, यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 444 के रेट से हमको तो 6.7 यूनिट मिला, मतलब लगभग 7 यूनिट मिला। लेकिन कोई व्यक्ति टोटल 7,90,000 लगा दे और रेट कितना चल रहा है, 444 रुपया, तो 7,90,000 को 444 से भाग दिए तो 1,779 यूनिट आपको मिल गया। आपको कितना यूनिट मिल गया टोटल, जो मुझे मिला 7 यूनिट, मैंने थोड़ा सा पैसा लगाया इतना ही मिला, लेकिन आपने इतना ज़्यादा चीनी डाल दिया तो चाय तो ज़्यादा मीठा होगा, तो आपने पूरा का पूरा एक बार लगा दिया तो आपके पास यूनिट टोटल हो गया 1,789। और उस यूनिट का आज कितना रेट चल रहा है, आज सबका रेट चल रहा है 2,222 रुपया, 2,222 रुपया चल रहा है सभी का, जो जो मैंने खरीदा था, जब जब खरीदा था
उस सबका रेट आज ही एक ही चल रहा है ना। आपने सोना 20 साल पहले खरीदा था, ठीक है, किसी ने 15 साल पहले खरीदा था, किसी ने 10 साल पहले खरीदा था, किसी ने 2 साल पहले खरीदा था, पर उन सभी सिक्कों का रेट आज तो एक ही होगा ना। ऐसा थोड़ी सोनार बोलेगा अच्छा आपने 20 साल पहले लिया था तो ये तो 40,000 का बिकेगा, और ये वाला इससे भी पुराना है तो 30,000 का बिकेगा, अच्छा ये वाला तो अभी अभी वाला है तो ये तो 50,000 का बिकेगा। ऐसा नहीं होता है ना, सब का प्राइस 50,000 ही होगा, क्योंकि आज सोने का रेट 50,000 चल रहा है तो 50,000 ही प्राइस होगा, चाहे कब लिए थे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह हमने कब कब यूनिट लिया उससे भैया कोई मतलब नहीं है, आज चल रहा है रेट 2,222 रुपया तो हमने उस समय वन टाइम लगा दिया ऐसा, और इतना यूनिट मिल गया, आज रेट चल रहा है इतना, दोनों को गुना कर दीजिए, सिक्का और आज का प्राइस दोनों को गुना करेंगे तो 39,53,000 रुपया होता है। अगर तो वन टाइम उस समय इतना पैसा होता लगा देते तो तो 39,53,000 होता। हमारे पास नहीं था, हमने SIP किया, थोड़ा थोड़ा पैसा बीच बीच में आता गया वो भी लगाया तो 24 लाख हुआ। तो जाहिर सा बात है भैया वन टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, आपने एक साथ ले लिया तो जाहिर सा बात है ज़्यादा होगा, थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे थोड़ा कम होगा, है ही नहीं तो क्या करेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं है किसी के पास, उससे तो बेहतर है ना कि भाई 24 लाख रुपया भी है, ये भी नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये कहना कि वन टाइम लगाऊं कि SIP लगाऊं, बेहतर है कि जो भी कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका SIP करते रहेंगे, बीच बीच में इधर उधर से कहीं से पैसा आ जाए तो टॉपअप करना है। तो इसको आप देखेंगे ना, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, बार बार लगातार इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ सोचते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकता है, वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को यदि आप कंपेयर करना चाहते हैं ना, तो घर की जो बीवी जी है ना उससे एकदम परफेक्ट कम्बिनेशन में आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि कोई व्यक्ति 3-4 लाख का हार एक बार ला के दे देते हैं कि भाई पैसा था ला के दे दिया, चलो घर में सोना भी होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन एक साल के बाद बोलेगी कि आप तो हमको कुछ देते ही नहीं है, देखिए बगल वाली झुमका है, नथिया है, पायल है, बिछिया है, हर बार कुछ ना कुछ देते रहते हैं, और नहीं पैसा होता है तो रोल गोल का हार ही लेके आ जाते हैं 250 रुपया का, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, आप हमको कुछ दिए हैं, वो जो पहले दिया था एक साल पहले एक बार दिया कोई याद नहीं रखना है उनको, लेकिन बगल वाली कोई कुछ लेके आ गए तो वही याद रहना है। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही गलती हुआ, एक बार में 5-6 चीज़ खरीद लिया, ठीक है, बाला खरीद लिया दोनों हाथ का, 2 झुमका खरीद लिया, अंगूठी 3 खरीद लिया, तो मेरा तो खोपड़ी कुछ और चलता है ना फाइनेंशियली, कि देखता हूँ कि भाई गोल्ड का रेट 18,000 रुपया चल रहा था और लगा कि गोल्ड यहाँ से छलांग मारने वाला है क्योंकि मार्केट इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था, तो गोल्ड में लगाया, लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर सोना 34,000 पे चल गया, तो मैं भाप लिया था ये जी, मैं बोला चलो वाइफ को कितना चीज़ खरीदना है आज खरीद देते हैं, बड़ा खुशी होकर तो गई और सब कुछ खरीद लिए। खरीदने के एक साल के बाद मैं जब ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मैंने कहा सुनो आज बेसनी बना देना, बड़ा मन कर रहा है बेसनी खाने का, तो कहती है कुछ नहीं बनेगा हमसे, आप हमको देते ही क्या हैं, एकदम गोल्डन सेंटेंस मिलता है कि आप हमको देते ही क्या है, ये आपको हर साल सुनने को मिलेगा कि आप हमको देते ही क्या है, ठीक है, एवरी ईयर सुनने के लिए मिलेगा। तो बोलेगी कंपेयर, बगल वाली को देखिए कितना बढ़िया है, झुमका लाए हैं और कितना अच्छा लग रहा है, आप हमको देते ही क्या है, पिछले साल 6 आइटम दिए तो थे, तो एकदम भोला भाला सा जवाब आता है कौन सा 6, तो कुछ याद नहीं, एकदम सीधा गाय निकल जाती है, आप अगर दे दिए पिछले साल 1-2 साल पहले दिए थे कुछ आइटम सीधा भूल जाएंगी कौन सा 6, कुछ याद ही नहीं है। तो ऑफिस जाने के बाद समझ में आया कि इससे जो अच्छा था कि छोटा छोटा एक एक आइटम ही देते रहते, 6 आइटम एक साथ ना देते तो 6 साल तो गुजर जाता, यहाँ तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ डिमांड फरमाइश फिर से आ गया। तो फिर ऑफिस से जब वापस आते हैं तो खाना तो बना नहीं है, तो मैं मेरे घर में सत्तू का स्टॉक बना कर रखता हूँ, प्याज और अचार के साथ मस्ती से वही खाया और उस दिन ऐसे ही गुजरा। तो एक बार से दिल नहीं भरता मुड़ के देख मुझे दोबारा, एक गाना है ना, एक बार से दिल नहीं भरता किसी का। तो आपको जब पैसा इन्वेस्ट करना होगा ना, वन टाइम SIP इस तरह से करना पड़ेगा, SIP चलते रहना है, बीच बीच में आपको टॉपअप का तड़का मारते रहना है, तो जाके फाइनेंशियल फ्रीडम कोई चाहे तो 12 से 15 साल में पा सकते हैं। तो बड़ा SIP करते रहिए और छोटा छोटा टॉपअप बीच बीच में करते रहिए, इसी तरह से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच, फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।